Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter The Making of a Global World, that is third chapter of your history book. Here we are again with our new topic, that is objective questions and exercise which are related to the previous year questions. Today we will do objective type question, true and false questions, and assertion and reason questions, which all are previous year questions, so that we can say that it is a exercise of the chapter The Making of a Global World. तो ये आपकी एक्सरसाइज भी आप इसको बोल सकते हैं या आप इसमें बोल सकते हैं इसमें सारे जितने भी एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स एंड लाइक असर्शन एंड रीजन जो सब होता है वो सब कुछ इसमें कंसिस्ट होगा और उसके साथ ही हम सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे बेटा. तो इस तरीके से हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड योर फर्स्ट सेक्शन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Which out of the following was beyond the reach of the poor in 18th century of Europe? बेटा देखो क्या बोल रहा है कि 18th century जो यूरोप की थी बेटा, तो ऐसी कौन सी चीज थी बेटा जो उनके रीच में नहीं थी. रीच में होने का मतलब क्या होता है कि जो कोई है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कि मीन्स कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हमारे रीच में होती है, और कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे रीच में नहीं होती. तो ऐसी कौन सी चीज थी बेटा जो 18th century में गरीब लोग थे बेटा जिसको ना नहीं खा सकते थे, कंज्यूम नहीं कर सकते थे, उनके रीच में नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ थिंग इन सो मेनी वेज, दैट इज खा सकते थे, ले सकते थे, मतलब खरीद सकते थे. इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आए तो आंसर विल बी मीट. तो मीट जो था बेटा दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर इन द 18th सेंचुरी. मीट 18th सेंचुरी में लोगों के बियॉन्ड से क्या था बेटा, दूर था बेटा. ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए डेस्टिनेशन, नॉट ए डेस्टिनेशन, ध्यान देना बेटा, और इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट, जो इंडिया से माइग्रेंट होते थे बेटा उन लोगों के लिए कौन सा एक डेस्टिनेशन नहीं था, तो जहां पे इंडिया के लोग नहीं जाते थे. जो फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से बताना बेटा. तो उनमें कौन से आते हैं बेटा, उनमें एक तो आता है कैरेबियन आइलैंड नहीं थे बेटा, एक या फिर फिजी आइलैंड नहीं थे, या फिर जापान नहीं था. तो आंसर विल बी जापान. कैरेबियन आइलैंड भी जो माइग्रेंट थे उनके लिए एक डेस्टिनेशन थे, फिजी भी इसके लिए डेस्टिनेशन. और नन ऑफ दिस तो जब आता, जब कोई दो ऊपर वाले हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे देश लिखे होते हैं जहाँ पे इंडिया के लोग माइग्रेट नहीं करते थे, तो ऐसे केस में मैं उसका आंसर क्या बताता, नन ऑफ द वो. लेकिन सॉरी अबो की स्पेलिंग भी इसमें गलत है, तो इसको थोड़ा मिस करेक्ट कीजिए. अबो की जो स्पेलिंग होती है वो ए बी ओ वी ई होती है, तो उसको बोलते हैं अबो. So question, what will be the question? What is the question? The question is, what of the following was, or which of the following was not a destination for Indian indentured migrants? के लिए कौन सी जगह नहीं थी जब वो migrant नहीं होते थे बेटा? That is Japan. कौन सी थी बेटा वो जगह? Japan वो जगह. How many power blocks were involved in the First World War? कितने power blocks थे बेटा? तो two power blocks थे. ध्यान रखना कभी भी question आता है how many power blocks were involved in the First World War? तो the answer will be always, तो देर आर टू पावर ब्लॉक्स दैट वर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार में. टू पावर ब्लॉक थे बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे बेटा, दैट इज टू पावर ब्लॉक्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे बेटा. क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा, हु लेटर जॉइंड द एलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा, किसने ज्वाइन किया बेटा एलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा, एलाइज के रूप में जिसमें देखो हु लेटर ज्वाइन बेटा, किसने ज्वाइन किया लेटर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में. देखो आंसर क्या क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार है, नन ऑफ द ओबीज. तो क्या बेटा एलाइज किसके में थे बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे बेटा. तो देखो इसमें कुछ ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं बेटा, लेटर ज्वाइन, तो इनमें से कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है बेटा, तो इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए. तो अगर वो ऑप्शन के ऊपर बेस्ड होता तो मैं उसका बता पाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सो दैट ये क्वेश्चन हम ओमिट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फोर को आप नहीं कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं क्वेश्चन को चेक करके तब आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से ऐसे देश थे बेटा जिन्होंने अलाइ किया था, लेटर ज्वाइन किया था, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर टोटली डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, कि जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस के अनुसार ही हम बता पाएंगे भाई किसने ज्वाइन हमारा लेटर किया है. Which what is the known as modern industrial war? जो modern industrial war है वो किसको बोलते हैं, तो modern industrial war बोलते हैं हमारे first world war को. इसको बोला जाता है बेटा first world war को हमारा क्या बोला जाता है, modern industrial war बोला जाता है. ना तो first world war को, ना ही second world war को, ना ही third world war को, ना ही fourth world war को, ना ही
आपको जो भी वर्ल्ड वार बढ़े, देखो थर्ड वर्ल्ड वार तक तो ठीक है, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार भी नहीं हो सकता तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में सेंसर आएगा। तो फर्स्ट को क्या बोला जाता है बेटा, फर्स्ट को बोला जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। क्या बोला जाता है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर बोला जाता है। इन विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे बेटा, इन विच स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग नेटवर्क बनाया इरिगेशन का, कैनल कॉलोनीज में बेटा। तो कौन से स्टेट में बनाया था बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल्ड किया बेटा एक नेटवर्क ऑफ इरिगेशन का नेटवर्क बेटा। किसका नेटवर्क? इरिगेशन का, नोन एज कैनल कॉलोनीज, जिनको हमने कैनल कॉलोनीज का नाम दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ट इन नेटवर्क बनाया बेटा, नेटवर्क ऑफ इरिगेशन। किसका नेटवर्क बेटा? इरिगेशन का नेटवर्क बनाया, नोन एज कैनल कॉलोनी, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैनल कॉलोनीज बोलते हैं। द स्टेट इज पंजाब, सो दैट वी कैन से दैट द आंसर विल बी पंजाब। इन विच स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ट इन नेटवर्क ऑफ इरिगेशन नोन एज कैनल कॉलोनीज, तो ये क्या हुआ? नॉट उत्तर प्रदेश, नॉट राजस्थान, नॉट बंगाल, एंड द स्टेट माइट बी पंजाब। इट मस्ट बी क्या था बेटा? पंजाब था बेटा, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? इरिगेशन का क्या बनाया था? कॉलोनीज के रूप में माना जाता है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस कॉर्न लॉज बेटा? कॉर्न लॉज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, कि कॉर्न लॉ बना दिए और कॉर्न का इंपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। तो कंट्री हमारी कौन सी थी बेटा, जिसने कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्न लॉ को लेके आई थी, और अंडर दिस लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, और इस कानून के अंतर्गत क्या था बेटा, वो चाहते थे कि कोई भी कॉर्न का इंपोर्ट ना करें, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंपोर्ट ऑफ कॉर्न बोलते हैं। तो द कंट्री विल बी ब्रिटेन। तो कौन सी कंट्री थी वो? हमारी ब्रिटेन कंट्री थी बेटा। कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन कंट्री थी। When was the active coastal trade linked with Indus Valley civilization with present day West Asia बेटा? कौन सी active coastal trade link थी बेटा Indus Valley civilization present day West Asia में बेटा? As early was the, देखो क्या बोल रहा है, Which when the active coastal trade, देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ कि अगर आप किसी क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हो तो पहले क्वेश्चंस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चंस को कीजिए, जब आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिक, अगर आपके आपने उसके बारे में पढ़ा होगा या उसके बारे में कहीं ना कहीं से सुना होगा या नॉलेज गेन की होगी, तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक जरूर होगा बेटा। ये भी एक साइकोलॉजी का फैक्ट होता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनको हम देख कर, पढ़ कर, सुन कर, सब चीजों से पढ़ते हैं, किसी टीचर से सुना हो सकता है, किसी बुक में लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन उन सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन के बारे में ही नहीं पता है ना कि व्हाट इज द क्वेश्चन, पूछा ही क्या गया है, तो आप आंसर कैसे दे सकते हो बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि आप एक गिलास पानी ला दीजिए, तो आपने पानी वाले वर्ड को नहीं सुना, आपको बोला बस एक गिलास ला दीजिए, तो ऐसे केस में इसके बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। अब गिलास मंगाया है तो गिलास में कौन सा मंगाया है? आप सोचोगे कांच का गिलास मंगाया है या स्टील का मंगाया है, बड़ा गिलास मंगाया है या छोटा गिलास मंगाया है, कैसा गिलास बना है। और अगर आपने पानी को ध्यान से सुना तो आप सीधे जाएंगे और एक गिलास पानी लेके आ जाएंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस आंसर को देते हैं, आंसर हम याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं, रोट लर्निंग करते रहते हैं, हमें आंसर याद होते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर हमने याद कर रखा है लेकिन क्वेश्चन को हमने देखा नहीं, तो आंसर आते आते भी हम पेपर में छोड़ आते हैं, और आने के बाद हम बहुत पछताते हैं कि ये तो मुझे आता था, ये तो मैं ऐसे कर सकता था, मैं वैसे कर सकता था। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जो थ्री स्टेप्स होते हैं ना लर्निंग के, हमेशा थ्री स्टेप्स होते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सेकंड स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द आंसर, थर्ड कंसेप्ट होता है टू जॉइन द क्वेश्चन एंड आंसर टुगेदर, एक दूसरे के साथ जोड़ना उन दोनों को, एक दूसरे से दोनों कैसे संबंधित है। इस प्रकार की जो तैयारी करता है बेटा वो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, और वो आपका हार्ड वर्क नहीं बल्कि वो स्मार्ट वर्क करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जो आज मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जितनी इंपोर्टेंस आप आंसर को देते हो उससे ज्यादा इंपोर्टेंस आप किसको दो? क्वेश्चन को दो, ताकि आप उसको समझ पाओ। देखिए When was, तो क्वेश्चन पूछा गया कब की बात है। एक्टिव कोस्टल ट्रेड, जो कोस्टल ट्रेड की लिंक थी बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन से विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, जो प्रेजेंट डे आप जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, इसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को लिंक किया है आज के टाइम में वेस्ट एशिया के साथ। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में से भी आंसर बन सकता है ना,
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके साथ लिंक थी भाई, जब अर्ली 3000 BC की बात थी तो किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ लिंक थी। अब देखो मैंने जो आपका आंसर था इसको मैंने क्वेश्चन में फिट कर दिया और जो क्वेश्चन था उसको मैंने ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे क्या बोलोगे आप बोलोगे एज अर्ली एज इन 3000 BCE इन फ्रॉम विद विच कंट्री द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एक्टिव एज ए कोस्टल ट्रेड, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट एशिया इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्वेश्चन था क्या, अभी क्वेश्चन था व्हेन वाज द एक्टिव कोस्टल ट्रेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया बेटा, तो कौन से कब की बात थी कोस्टल ट्रेड की, तो 3000 BCE की बात थी बेटा, जब यहाँ पे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट थी बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, When was the global agriculture economy took shape? भाई global agriculture economy ने shape कब ली थी बेटा? So that is the year 1890. तो question क्या है कि when was the global agriculture economy took the shape? इसने shape ली थी that is 1890 में ली थी बेटा, कब ली थी 1890 में। Around the world, lands were cleared and food production expanded to meet the किसकी डिमांड बेटा फूड प्रोडक्शन में, ब्रिटिश की डिमांड बेटा। Around the world, लैंड को क्लियर किया गया, फूड प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया गया टू मीट द किसकी डिमांड को पूरा करने के लिए बेटा, ब्रिटिश की डिमांड को पूरा करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बेटा, क्योंकि कॉलोनियल रूल किसके द्वारा बनाया जाता था, उसमें ना अमेरिकन है ना बेटा उसमें जर्मन है ना उसमें बेटा फ्रेंच है, तो कौन से है बेटा ब्रिटिश है, कौन है उसमें ब्रिटिश है। पूरे वर्ल्ड में लैंड वर्क क्लियर, लैंड को क्लियर किया जाता था एंड फूड प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाता था टू मीट द ब्रिटिश डिमांड को मीट करने के लिए। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंज में, थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। विच वन टाइप डज नॉट एग्जिस्ट अमंग देम, उनमें से कौन सी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो थी बेटा फ्लो फ्रो मटेरियल्स बेटा। तो देखो सारी चीजें देखो, क्वेश्चन क्या है और इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। देखो इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लोज, तीन टाइप ऑफ मूवमेंट बताए बेटा जो फ्लो में है, फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं। जहाँ पे देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या है, जो चीज किसी एक कंट्री के पास अवेलेबल है वो सप्लाई के रूप में है और दूसरी कंट्री के पास वो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे डिमांड के रूप में है, तो जो सप्लाई करने वाली कंट्री है वो दूसरे वाले को वो वस्तु दे देगी, उसकी सप्लाई कर देगी। और उसके अलावा एक दूसरी ऐसी चीज है जो सेकेंड कंट्री के पास है लेकिन फर्स्ट कंट्री के पास नहीं है, तो वो ये वस्तु को दूसरी कंट्री के साथ दे देगी। पहले तो ऐसे बार्टर सिस्टम चलता था लेकिन कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली हो जाती थी, लेकिन उसके बाद जैसे मनी आया ना बेटा तो अब वस्तुओं को मनी के बदले में एक्सचेंज किया जाने लगा और मनी को बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया। क्योंकि आपको अगर आप अपनी चीज को बेचिए जिससे आपके पास मनी आ जाएगा, आप उस मनी का इस्तेमाल कीजिए दूसरी चीजों को खरीदने में बेटा, इस बार्टर सिस्टम का क्या हो गया, एंड हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज था विच कौन सी टाइप नहीं थी बेटा, जो थी देखो सबसे पहले फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स बेटा। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जिससे किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो लेबर का भी फ्लो था, ट्रेड व्यापार भी होता था, कैपिटल पैसे का भी फ्लो था, लेकिन फ्लो मटेरियल का फ्लो नहीं था। जो रॉ मटेरियल ऐसे है बेटा जिसको हम लेने के बाद रॉ मटेरियल से उससे कोई वस्तु का निर्माण करेंगे, तो फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल उस टाइम पे उपलब्ध नहीं था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मेनली 14 कहां पे लड़ा गया बेटा, यूरोप का वार था, ड्यू टू द बाल्कन रीजन के कारण हुआ था, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज थी बेटी बेटा यूरोप में वो क्या चाहती थी, बाल्कन रीजन ओटोमन एम्पायर से एक एक करके टूट रहा था बेटा, जिसके कारण आपका कौन सा वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। वो तो कभी भी कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो मैंने बाल्कन के रीजन को बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ाया बेटा, तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देखिए जहाँ पे मैंने पूरे डिटेल से बताया है कि बाल्कन रीजन क्या था, ओटोमन एम्पायर के साथ कैसे जुड़ा हुआ था और एक दूसरे से ब्रेक कैसे हो रहे थे, किस तरीके से हो रहे थे, मैंने हर एक चीज के बारे में बताया है, तब उसको वहां पे देख सकते हैं और उसको वहां पे पढ़ भी सकते हैं। What was the form of currency used for more than a millennium ago? More than a millennium, millennium का जो मिलेनियम का जो वो होता है ना बेटा प्लूरल होता है ना, उसको मिलेनिया का बोलते हैं। तो बहुत साल पहले किसको बेटा, काउडी या काउवरीज होता है बेटा, तो क्या होता है काउडी और काउवरीज बोलते हैं ना बेटा, उसके रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था करेंसी के रूप में। किसके रूप में, करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन 18th सेंचुरी
विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिच कंट्री, वो एक रिच कंट्री नहीं थी बेटा इन 18th सेंचुरी में, पेरू। इंडिया को तो बोलना ही मत, इंडिया रिच कंट्री थी बेटा 18th सेंचुरी में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तो हमारे ऊपर शासन हुआ, हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल आया, उस कॉलोनियल रूल के कारण हमारे यहाँ से बहुत सारी वेल्थ को इंडिया से ले जाकर कहाँ लेके जाया जा गया बेटा, इसको ब्रिटिश पहुंचा दिया गया। तो इंडिया क्या थी, एक रिच कंट्री थी। कभी इंडिया को सोचते हो तुम, हम आज भी गरीब नहीं बेटा, आज भी हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है, हम गरीब देशों में नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशन में आते हैं बेटा, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों का पालन पोषण करना और इतने ज्यादा लोगों को एक डाइवर्सिटी के रूप में रखना, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, पर्शियन भी हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, उनको एक एक इकोनॉमी के अंदर रखना और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होना और इतने कम एरिया में होना बेटा और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होना, तो उस इकोनॉमी को रखना एक छोटी बात नहीं। इसीलिए भारत को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता है आज के समय में। तो इंडिया क्या है कि इन सब लोगों का पालन पोषण इतना आसान नहीं है बेटा जैसे इंडिया में किया जा रहा है। तो अगर 18th सेंचुरी की बात आएगी, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिच कंट्री, तो कौन सी कंट्री रिच नहीं थी बेटा, तो पेरू वो कंट्री रिच नहीं थी बेटा। विच कंट्री स्टेटस ट्रांसफॉर्म बींग डन इंटरनेशनल डिवाइडेड टू एन आरटी इंटरनेशनल बेटा, कौन सी कंट्री का स्टेटस है बेटा फ्रॉम बींग एन इंटरनेशनल डिबेटर का मतलब था, डिबेट का डेप्ट का, डेप्टर का मतलब क्या होता है बेटा, डिबेटर भी बोलते हैं डेप्टर भी बोलते हैं, डेप्टर डेप्ट क्या होती है सबसे पहले डेप्ट के बारे में समझिए। डेप्ट को बोलते हैं जो हम उधार लेते हैं ना, उसको डेप्ट बोलते हैं, किसी को दिया गया उधार बोला जाता है डेप्ट। तो इसमें विच कंट्री स्टेटस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बींग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू एन इंटरनेशनल, देखो फिर क्वेश्चन अधूरा दे गया। तो सबसे पहले देखो डेप्टर से दूसरा जो चेंज हुआ होगा, पहले पैसे लेता था उसके बाद पैसे लेना बंद कर दिया और एक अच्छी इकोनॉमी के रूप में आया बेटा, इंटरनेशनल क्या आएगा बेटा, यूएसए इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, यूएसए होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन वॉज द लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट ऑफ डिजीज कैरिंग जम्स ट्रेसिड बेटा, कब लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट ऑफ डिजीज जो हुई थी कैरिंग जम्स, जो क्या कैरी करते थे जम्स, उनको ट्रेस कब किया गया था बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट ऑफ डिजीज हुई बेटा कैरिंग जम्स ट्रेस, तो 7th सेंचुरी में किया गया था बेटा। कब किया गया था, 7th सेंचुरी में किया गया था। सिल्क रूट नोन टू हैव एग्जिस्टेड बिफोर द एंड थ्राइव मालमो स्टिल द बेटा, जो सिल्क रूट है बेटा उसको किस तरीके से माना जाता है, बिफोर द एंड थ्राइव अमंग टिल द क्रिश्चियन इरा बेटा, बिफोर द क्रिश्चियन इरा से माना जाता है बेटा। सिल्क रूट हैव एग्जिस्टेड बिफोर एंड थ्राइव ऑलमोस्ट ऑल टिल द 17th सेंचुरी तक बेटा। तो अगर कोई सिल्क रूट के बारे में वही बोलेगा, भाई सिल्क रूट को कब तक माना जाता है, तो क्या बोलेंगे आप कि सिल्क रूट है बेटा जो हैव एग्जिस्टेड बिफोर एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द क्रिश्चियन इरा, आएगा फर्स्ट ब्लैंक में और 17th सेंचुरी आएगा आपका सेकंड ब्लैंक्स में आएगा। हाउ मच स्पेन ऑफ टाइम कैन बी रिफर्ड फॉर ग्लोबलाइजेशन के लिए, कितना समय लगा था बेटा सिंस द लास्ट 50 ईयर्स, हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ बेटा। स्पेन ऑफ टाइम अगर कोई रेफर्ड करना चाहेगा ग्लोबलाइजेशन के लिए, ना वो 25 ईयर्स होगा, ना वो 75 होगा, ना वो 100 होगा, तो सिंस द लास्ट 50 ईयर्स होगा जिसमें हम बोल पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन हमारा ट्रांसफर हुआ। What is the Silk Route referred to? Silk Route किससे रेफर करता था बेटा? Silk Route referred to, देखो ऑप्शंस क्या क्या मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया बिल्कुल था, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज बेटा बिल्कुल सही बात है, सिल्क रूट वहीं पे एग्जिस्ट करता था, तो क्या आएगा बेटा प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया और वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज जहाँ पे आएंगे बेटा वही उस किसको बोलते थे बेटा, सिल्क रूट को बोलते थे बेटा। Which was the टेबल सिटी ऑफ गोल्ड बेटा, कौन थी टेबल सिटी ऑफ गोल्ड, बताया था मैंने वीडियो में भी आपको, तो कौन थी, एल्डोराडो, क्या नाम था बेटा उसका, एल्डोराडो था जिसको हम टेबल सिटी ऑफ गोल्ड बोलते थे। तो उसमें ना पेरू था, ना मेक्सिकन था, ना आपका स्पेन था, तो कभी भी टेबल सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बात आएगी तो क्या नाम लिया जाएगा बेटा, हमेशा एल्डोराडो को लिया जाएगा। विच वॉज द पाइनियर ऑफ मास प्रोडक्शन का पाइनियर कौन था बेटा, हेनरी फोर्ड, ध्यान रखना हमेशा कोई भी पाइनियर पूछे आपसे मास प्रोडक्शन का, तो नाम आपको दिए गए ऑप्शन में जॉन विंथ्रोप दिया गया है, सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली दिया गया है, हेनरी फोर्ड दिया गया है और नान ऑफ दीज दिया गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, हेनरी फोर्ड दिया जाएगा। व्हाई वर यूरोपियन अट्रैक्टेड टू अफ्रीका, में यूरोपियन अट्रैक्शन का कारण क्या था, व्हाट इज द मेन रीजन कि जो यूरोपियन थे बेटा वो अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ, अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुए बेटा। तो सबसे पहली बात क्या है, एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है रिसोर्सेज बेटा, वेदर के लिए नहीं, वहां पे पिकनिक करने के लिए नहीं अट्रैक्ट हुए थे, ना इकोनॉमी डेवलपमेंट करना चाहते थे किसी दूसरे रीजन में, बल्कि रिसोर्सेज एक ऐसी चीज थी बेटा
अफ्रीका में मिलती है। तो रिसोर्सिस के लिए यूरोपियन कहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे? अफ्रीका में अट्रैक्ट हुए थे। और सब जगह अट्रैक्शन का कारण बेटा तो पहले का टाइम था, 18th सेंचुरी का टाइम, अट्रैक्शन का कारण सबसे मेन यही तो रहता था रिसोर्सिस के बारे में, या हमारे धन दौलत को लूटना। वो भी क्या, वो भी रिसोर्सिस ही तो है। गोल्ड क्या है? गोल्ड भी हमारा, मैंने पढ़ाया ना आपको बेटा, गोल्ड इज ऑल्सो रिसोर्स बेटा, एक वेरी जो हम बोल सकते हैं कुछ रिसोर्स जो बहुत अच्छे महंगे होते हैं क्वालिटी क्वालिटेटिव मेथड से भी और क्वान्टिटेटिव मेथड से भी। लेकिन अब बात करोगे आप गोल्ड की, गोल्ड भी रिसोर्स है बेटा। आप किसी भी चीज को ले लीजिए जो हमें मिलता है, डायमंड भी एक रिसोर्स से बेटा हमारा, पेट्रोल भी रिसोर्स है, कोल भी रिसोर्स है, जो भी हमें नेचर से मिलते हैं, जो भी नेचर बेस्ड होते हैं मेटल, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, वो रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे रिसोर्स होते हैं। आगे देखिए, व्हाट टेक्नोलॉजी हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल, पेरिसेबल समझिए सबसे पहले, जो वस्तु खराब हो जाती है। जैसे देखो कुछ तो होती नॉन पेरिसेबल, जैसे नॉन पेरिसेबल किसको बोलते हैं? अब जैसे आप अपने घर पर क्या लेके आते हैं, अपने घर पर आप लेके आए बेड, लेके आए फर्नीचर, लेके आए, ऐसा नहीं है कि वो रोटी की तरह दो दिन में खराब हो जाएगा बेटा, वो सालों साल चलेगा। या गाड़ी की बात कर लीजिए तो नॉन, देखो वैसे ऐसे बोलोगे सर नहीं वो तो कुछ सालों के बाद, कुछ उसके बाद वो बेकार कबाड़ में चला जाएगा बेटा, तो ऐसे तो हर एक चीज पेरिसेबल मानी जाएगी। लेकिन अनपेरिसेबल की, जो अनपेरिसेबल की उसकी डेफिनेशन है, जो इयर्स में चलती है, विच कैन बी मेंटेन और कैन बी कैन डू एज ए वर्क फॉर मेनी इयर्स, दैट इज नोन एज नॉन पेरिसेबल गुड बोलते हैं, जिसको जो एक साल से ज्यादा चलती है तो नॉन पेरिसेबल गुड्स में आता है। और पेरिसेबल कुछ डेज में ही खराब हो जाती है बेटा, उनको पेरिसेबल गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट टेक्नोलॉजी हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल गुड्स, तो ऐसी क्या चीज थी जो ट्रांसपोर्ट करते थे पेरिसेबल गुड्स का बेटा, उसमें काम आती थी? तो वो जो आपकी थी बेटा, वो थी रेफ्रिजरेटेड शिप्स होते थे बेटा। क्या होते थे? रेफ्रिजरेटेड शिप्स। क्योंकि देखो अब भी हम इस्तेमाल करते हैं जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, जैसे दूध है बेटा, अब गर्मी का टाइम है, अब गर्मी के टाइम में अगर दूध बाहर रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका खराब हो जाएगा। और बाहर दूध अगर रखा रहेगा वो खराब हो जाएगा तो उसका क्या फायदा? तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, ऐसे केस में हम एक काम करते थे भाई, रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध को रख दो या फिर गर्म कर दो। देखो दो ही तरीके बेटा, अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जर्म्स दूध को खराब कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर भी मर जाएंगे। तो कुछ जर्म्स होते हैं बेटा जिनकी वजह से आपका दूध खराब हो जाता है। अब आपका मतलब है उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रखने देना जिसमें वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, या तो उस टेम्परेचर को इतना डिक्रीज कर दो कि वो सर्वाइव ना कर पाए, या फिर उसको इतना इंक्रीज कर दो कि वो सर्वाइव ना कर पाए। तो इस तरीके से पहले जो मतलब जो ऐसी पेरिसेबल गुड्स थी बेटा जो खराब हो सकती थी, उन गुड्स को आप मतलब उनका व्यापार करने के, उनकी शिपमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था बेटा। किसका इस्तेमाल किया जाता था? रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखते हैं, सिल्वर मेटल वाज नॉट अवेलेबल, नहीं सिल्वर मेटल कहाँ अवेलेबल नहीं थी बेटा। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन आपको सीखो, देखो एक तो सिंपल होता है क्वेश्चन सीखना भी, सिल्वर मेटल अवेलेबल कहाँ पे नहीं थी, पेरू में नहीं थी। लेकिन यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को ना स्मार्ट वर्क के तरीके से कीजिए, सिल्वर मेटल अवेलेबल कहाँ पे नहीं थी, पेरू में नहीं थी, लेकिन अवेलेबल कहाँ पे थी, मैक्सिको और कैनेडा में थी बेटा। ये भी तो क्वेश्चन मिल रहा है ना आपको यहाँ से एमसीक्यू टाइप से, कि मैक्सिको में और कैनेडा में सिल्वर मेटल क्या थी बेटा, अवेलेबल थी, लेकिन पेरू में मेटल वो क्या नहीं थी बेटा, अवेलेबल नहीं थी। तो बेटा इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है बेटा, ताकि आप कर सके बेटा। तो सिल्वर मेटल वाज नॉट अवेलेबल इन पेरू में, अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कनाडा और मेक्सिको में क्या थी बेटा, वो अवेलेबल थी। ये थे आपके 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बेटा इनको, क्या क्या था। अब की बार बेटा थोड़ा सा टाइम को ना वेस्ट करते हो, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी उसके, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर इन 18th सेंचुरी यूरोप, तो कौन सी चीज ऐसी थी बेटा जो यूरोप के रीच में नहीं थी बेटा, जो गरीब व्यक्ति थे यूरोप के उनके रीच में उसको कंज्यूम नहीं कर सकते थे, तो वो आएगा बेटा मीट आएगा। क्या आएगा बेटा? मीट। Which of the following was not a destination in Indian migrants, की कौन सी डेस्टिनेशन नहीं थी जापान। लेकिन यहाँ से ये भी सीखना है बेटा कि कौन सी डेस्टिनेशन थी, तो कैरेबियन आइलैंड्स में भी लोग जाते थे और फिजी में भी लोग जाते थे बेटा, इंडेंचर्ड जो माइग्रेंट होते थे इंडियन से। पावर ब्लॉक्स कितने थे बेटा विच इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार में, 2 पावर ब्लॉक्स थे बेटा जो इन्वॉल्व हुए थे हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। Who later
joined the allies during the first world war beta. तो हमारे ये तो मैंने बता दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा ऑप्शन इसके रॉन्ग है तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया था। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार किसको बताया गया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार को। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसके कारण हुआ था, ड्यू टू द ऑन द अपना अधिकतम जमाने के लिए किसके ऊपर, बाल्कन रीजन के ऊपर, जो की ऑटोमन एम्पायर से टूट रहे थे, लाके उनको अपने अधीन करने के लिए बेटा इसका इसके कारण क्या हुआ था बेटा, इसका युद्ध हुआ था बेटा। और वो क्यों टूट रहे थे, एक दूसरे थे जीलेस थे, अपना जो कल्चर था बेटा उसको सेट करना नहीं चाहते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, तो ब्रेकेबल हो रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था बेटा, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था। किस स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्ट ए नेटवर्क बनाया बेटा, ये इसका जिसको कैनल कॉलोनीज बोलते हैं, तो कैनल कॉलोनी जिनको बोलते हैं बेटा वो स्टेट कौन से थे बेटे, वो पंजाब भी था बेटा, और वो पंजाब ही था बेटा जिसमें क्या बताया था कैनल कॉलोनीज को बनाया गया था। तो उसमें ना राजस्थान था, ना उत्तर प्रदेश था, और ना ही बंगाल था। कॉर्नवॉलिस, कॉर्नवॉलिस को जो बेटा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके आई थी, कौन लेके आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसका मेन एम क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि जो कॉर्न का इम्पोर्ट है उसको क्या किया जा सके, बंद किया जा सके। तो वही एक्टिव कोस्टल ट्रेड में सबसे पहले लिंक किन किन के बीच में था बेटा, तो लिंक था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में, और जो प्रेजेंट डे में वेस्ट एशिया है बेटा उन सब के बीच में क्या था बेटा, लिंक था बेटा। किस किस के बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे में जो वेस्ट एशिया उनके बीच में, और कब की बात है, 3000 BCE की बात है बेटा। ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को शेप कब मिली थी बेटा, इन 1890 में बेटा, कब मिली थी, 18 सेंचुरी में मिली थी, 1890 में मिली थी। अराउंड द वर्ल्ड लैंड वर क्लियर्ड, लैंड को क्लियर किया जा रहा था फॉर प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द, किसकी डिमांड को पूरा करने के लिए बेटा, ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा था, लैंड वगैरह को क्या किया जा रहा था, क्लियर किया जा रहा था। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट थी बेटा, फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में, विच टाइप ऑफ डज नॉट एक्सिस्ट, कौन सी नहीं थी बेटा, फ्लो रॉ मटेरियल्स बेटा, किसका फ्लो बेटा, रॉ मटेरियल का फ्लो था बेटा जो एग्जिस्ट नहीं करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-18 वाज मेनली फोर्ट, कहाँ पे लड़ा गया था, यूरोप में। फिर वही बात है, रिपीट नहीं करूंगा, बाल्कन रीजन था, जिलेस थे, ओटोमन एम्पायर था, तो जो पावर्स थी फ्रांस था, जर्मनी था, ब्रिटेन था, इनके बीच में उसको जो एक जमीन थी बेटा, जो बाल्कन रीजन था बेटा, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए क्या हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ करेंसी यूज फॉर मोर देन मिलेनियम, कौन सी करेंसी थी बेटा, काउडी और काउडीज बोलते थे जिसको। इन द 18th सेंचुरी विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिच कंट्री, कौन सी रिच कंट्री नहीं थी बेटा, पेरू, कौन सी, पेरू एक रिच कंट्री नहीं थी, लेकिन इंडिया और चाइना किसमें आती थी, रिच कंट्रीज में आती थी। विच कंट्री स्टेटस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बीइंग इंटरनेशनल डिवाइडेड टू एन इंटरनेशनल, आगे ये क्वेश्चन अधूरा लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, यूएसए है बेटा। व्हेन वाज द लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट द डिजीज कैरिंग जंप ट्रेस बेटा, कब की गई थी बेटा, जो लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट डिजीज है बेटा उनको जब ट्रेस किया गया था बेटा, जंप वगैरह को ट्रेस किया गया था, कब किया गया था बेटा, 7th सेंचुरी में किया गया था, कब किया गया था, 7th सेंचुरी में किया गया था। सिल्क रूट्स नोन टू हैव एग्जिस्टेड बिफोर एंड थ्राइड ऑलमोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन इरा में बेटा, और 15th सेंचुरी की बात है बेटा जब सिल्क रूट एग्जिस्ट करते थे बेटा। हाउ मच स्पैन ऑफ टाइम कैन रिफर फॉर ग्लोबलाइजेशन के लिए, अगर आपसे कोई टाइम पूछेगा कितना स्पैन ऑफ टाइम लगा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आता है कि जब सारे एक विलेज के रूप में आप पूरे वर्ल्ड को कन्वर्ट कर देते हो, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वहाँ पे कोई भी देश ऐसा नहीं रहता जहाँ जिसके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, सबके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। उस ऐसे जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक कनेक्टिविटी होने के बाद भी हम किसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसमें लगभग 50 ईयर्स लगे थे बेटा। सिल्क रूट रेफर्ड किससे था, ये वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो से रेफर्ड था बेटा, सिल्क रूट किससे रेफर्ड था, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो से। और टेबल सिटी ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं बेटा, एल डोराडो को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल डोराडो को। तो इस द पाइनियर ऑफ मास प्रोडक्शन का पाइनियर कौन था बेटा, तो हेनरी फोर्ड आएगा बेटा, आंसर था क्या होगा बेटा इसका, हेनरी फोर्ड था जो किसका पाइनियर था बेटा, मास प्रोडक्शन का क्या था, पाइनियर था बेटा। Why were European attack to Africa? European ने अफ्रीका को अटैक क्यों किया था, अटैक करने का कारण क्या था, मेन यूरोप ने अफ्रीका को अटैक किया किसके कारण बेटा, अटैक किया था रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि अफ्रीका में क्या अवेलेबल थे बेटा, रिसोर्सेज अवेलेबल थे। दैट्स वाई अमेरिका क्या इसकी तरफ क्या हो गई थी बेटा, उसकी तरफ क्या हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी। तो इसका ये था मेन रीजन कि यूरोपियन अटैक टू अफ्रीका क्यों हुए थे, ड्यू टू द रिसोर्सेज के कारण। द मोस्ट कॉमन फूड ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट नोन टू एशियंस, को मोस्ट कॉमन फूड के बारे में नहीं पता था बेटा। व्हाट टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स कौन करते थे, रेफ्रिजरेटेड एयर एयरशिप, जो रेफ्रिजरेटेड शिप जो होते थे बेटा वो करते थे।
ऐसी गुड्स जो कौन सी थी बेटा, पेरिशेबल गुड्स थी बेटा। और सिल्वर मेटल वाज नॉट अवेलेबल इन, कहाँ पे अवेलेबल नहीं था सिल्वर बेटा, पेरू में अवेलेबल नहीं था। और पेरू के ऐसे नाम हो रहा था बेटा गरीब कंट्री में, किस में जो क्या थी बिल्कुल पुअर कंट्रीज थी बेटा, उन्हें नाम किसका आया था, पेरू का नाम आया था। और सिल्वर मेटल वाज नॉट अवेलेबल इन, कहाँ पे अवेलेबल नहीं था बेटा, पेरू में नहीं था बल्कि मैक्सिको और कैनेडा में क्या था बेटा, वो अवेलेबल था। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट विद द अप्रोप्रिएट वर्ड से बताना बेटा, ध्यान देखना फिलिंग द ब्लैंक्स से बेटा। द फेमस इकोनॉमिस्ट डैश थॉट दैट इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट, क्या बोल रहा बेटा, इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी बेटा, कि जो इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है बेटा वो प्रमोट करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक की रिकवरी को बेटा। जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम था बेटा जिन्होंने इसके बारे में बोला था, वो एक फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं बेटा। आप उनके बारे में अगर आप इकोनॉमिक्स की साइड से इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप जब अपनी हायर एजुकेशन करेंगे ना इकोनॉमिक्स में तो आपको जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम बहुत बार सुनोगे बेटा, बहुत बार सुनोगे इनका नाम साहब। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने सोचा था इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट जो हो रहा है बेटा ये प्रमोट करेगा किसको, ग्लोबल की इकोनॉमिक रिकवरी को क्या करेगा बेटा ये करेगा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है बेटा एस्टेब्लिश द आईएमएफ, किसको बेटा, किसको एस्टेब्लिश किया बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को किया बेटा, टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस देने या डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशंस, जो भी इसके मेंबर नेशंस होंगे बेटा उनमें सरप्लसिज होंगे या डेफिसिट। देखो क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूँ, सरप्लसिज क्या होते हैं, डेफिसिट्स क्या होते हैं, और मेंबर नेशंस क्या थे, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या था बेटा इसके बारे में। तो सब पहला तो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो सोचिए आप, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने किसको एस्टेब्लिश किया, दैट इज आईएमएफ को एस्टेब्लिश किया बेटा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को किसने एस्टेब्लिश किया था बेटा, आईएमएफ को। ये भी हो सकता है आईएमएफ को एस्टेब्लिश किसने किया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को, या फिर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने किसको एस्टेब्लिश किया, आईएमएफ को। बात एक ही है किसने किया और किसको किया, तो ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आईएमएफ को किसने किया और इसने आईएमएफ को, किसने आईएमएफ को किया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, कि ये हो सकता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने किसको किया, आईएमएफ को, या फिर आईएमएफ को किसने किया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने किया। तो एक तो बात ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। दूसरा ये डील करेगा इसके जो मेंबर नेशंस होंगे ना, सबसे पहले तो इसके मेंबर नेशंस को बनाए जाएंगे, इसके या तो सरप्लस होंगे बेटा, सरप्लस का मतलब होता है फायदा, इसको एक प्रॉफिट लॉस के तरीके समझो, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा होना। मान ले अब देखो जैसे मान ले कोई किसान है, मैं सरप्लस को बताता हूँ आपको क्या होता है, जैसे कोई किसान है उसने 3 एकड़ में क्या कर रखा है बेटा, उसने अपने गेहूं को उगा रखा है या धान को बेटा, राइस को उसने खेती कर रखी है, उसने गेहूं की कर रखी है। अब गेहूं की खेती करने के बाद उसने जितने उसकी प्रोडक्शन हुई उसका उसने 20% अपने घर पे रखना है, क्योंकि उसका वो खाने के लिए इस्तेमाल करने वाला पूरे ईयर के लिए, तो 20% को उसने निकाल दिया, बाकी उसके पास जो बचेगी उसको बेच देगा, वो क्या था उसका सरप्लस था, वो क्या था उसका सरप्लस था। मीन जितना नीड का है उसका यूज करने के बाद जो बाकी बच जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सरप्लस बोलते हैं। और डेफिसिट होता कमी होनी, डेफिसिट क्या होता है बेटा, कमी होनी। जैसे मान ले इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हो तो व्यापार करने में क्या हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं बेटा कि कई बार तो हमारा एक्सपोर्ट है ना वो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और हम इम्पोर्ट कम करते हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा और उसको हम सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरप्लस, भाई जितना एक्सपोर्ट किया था हमारा, जितना हमने इम्पोर्ट किया उसको काट पीट के जो बाकी बच गया ना वो मेरा क्या है, सरप्लस है, वो मेरा क्या है, सरप्लस। लेकिन जब आपका जो इम्पोर्ट है वो ज्यादा हो, इम्पोर्ट क्या हो बेटा, वो ज्यादा हो, और ये आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आईएमएफ के साथ कर सकते हैं बेटा, तो आईएमएफ में कई बार क्या होता है बेटा, सरप्लस आएंगे तो इसका मतलब आईएमएफ में वो पैसा जमा करवा रहा है, और डेफिसिट आएंगे तो कोई यहाँ पे उनको डेफिसिट है तो उनका क्या पैसा वो लोन पर दे रहा है, तो डेफिसिट आएगा बेटा, तो क्या आएगा, वो डेफिसिट आएगा। आगे देखिए डैश मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने किसको एस्टेब्लिश किया था बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, दैट इज आईएमएफ को एस्टेब्लिश किया था।
डैस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एट द हाइट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन बेटा, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था बेटा, गांधी जी ने जिस मूवमेंट को चलाया था उस टाइम पे देश में बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन मूवमेंट था बेटा। क्या था? ग्रेट डिप्रेशन। देखो अब डिप्रेशन भी आपको समझाना पड़ेगा। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे टाइम में इसको हिंदी में बोलते हैं मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स को जो मार्केट की सिचुएशन को है उसको दो तरीकों में बांटा गया है बेटा। एक तो होता है इन्फ्लेशन कंडीशन और एक होती है बेटा डिप्रेशन की कंडीशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, जब प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे केस में चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा है और लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं बेटा, और लोग खर्चा बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत आता मार्केट में कि तेजी आई मार्केट में और चीजें महंगी होती है, प्राइस हाइक पे होते हैं बेटा। तो उसके टाइम इसका मतलब क्या, प्राइस भी हाइक पे होते हैं और लोगों के पास ना पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, पैसे की जो इनफ्लो होता है ना बेटा लोगों के पास ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है बेटा, ऐसे केस को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। क्या हो गया कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस बहुत ज्यादा हाइक पर है और लोगों का पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उस टाइम पे बेटा। और एक होता है डिप्रेशन, जब लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है और ऐसे टाइम में सेविंग ज्यादा होती है बेटा। सेविंग करने का मतलब क्या है, मंदी होती मार्केट में, ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, ना कोई चीजें खरीदना चाहता, सिर्फ लिमिटेड चीजों को खरीदा जा रहा है, बाकी जो लग्जरियस गुड्स वगैरह है या कोई ऐसी गुड है बेटा जो आपको कंफर्ट प्रदान कर सकती, गाड़ी या बाइक, ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जाती, कम खरीदी जाती है, तो उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं बेटा। तो ये दो कंडीशन होती है जो इकोनॉमी से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन क्या था और हम कहाँ चले गए, मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में, और मैंने जिसको डिप्लेशन भी बोलते हैं, देखो इसको ध्यान रखना बेटा, एक सिनोनिम्स होता है बेटा जो डिप्रेशन का होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, और एक होता है इन्फ्लेशन। ये ध्यान रखना दोनों वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। तो जो हाइट पर था वो बेटा ग्रेट डिप्रेशन था जब इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया गया था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था बेटा। कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका वाज कंप्लीटेड इन, इसको कोलोनाइजेशन जो अफ्रीका का था बेटा कंप्लीटेड हुआ 1885 में बेटा। तो कब हुआ 1885 में, एंड कोल्ड इसको क्या बोला गया बेटा, दैट इज कोल्ड एज पेपर पार्टीशन। इसको क्या बोला गया था बेटा, पेपर पार्टीशन। देखो कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका वाज कंप्लीटेड, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने कॉलोनी के बारे में भी आपको कई बार समझाया बेटा, एक बात का ध्यान रखना बेटा, मैं जब भी आपके लेक्चर लेता हूँ तो वो ट्रू फॉल्स का नहीं होता, ना किसी ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो नॉलेज का लेक्चर होता है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है उसमें भी आपको एक कंसेप्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी जो थिंकिंग पावर है उसकी एबिलिटी को आप बढ़ा पाए बेटा। तो एक वर्ड भी दिख गया ना, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने आपको एक वर्ड बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वोटर, क्या बोला मैंने वोटर, अब सबके वोटर, जैसे मैंने बोला कि पानी के बारे में कुछ लिखिए बेटा, तो मैं सबके अगर पेज उठा के देखूंगा ना तो सबका जो रिटर्न का मेथड होगा, जो बातें लिखी गई होंगी बेटा वो सब की सब अलग अलग होंगी, और इससे मुझे आपके थॉट प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। किसी बच्चे का थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, कोई डीप में गया होगा, किसी ने इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी और किसी ने सिंपल लिखी होगी कि पानी है पीने के लिए काम आता है, और पानी है ना, पानी को हम नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में इस्तेमाल करते हैं, ये लिखा गया है। पानी का खेतों में भी इस्तेमाल होता है, इरीगेशन में भी काम आता है। लेकिन किसी ने क्या किया होगा, सबसे पहले पानी की डेफिनेशन दी होगी कि हमारे पानी उसके लिए सही सुरक्षित है, लेकिन टुडे वी आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी के बारे में लिखा होगा। तो थिंकिंग प्रोसेस उस बच्चे का अच्छा हुआ ना, उसने प्रॉब्लम को रेज किया होगा वाटर स्कार्सिटी। किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लिखा होगा तो उसका भी प्रोसेस अच्छा हुआ ना, तो किसी ने वाटर को किसी और तरीके से प्रोड्यूस किया होगा। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वही डिफरेंस होता है बच्चों में और टीचर में। टीचर का थिंकिंग प्रोसेस प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है, उसके कारण उनका थिंकिंग प्रोसेस इतना अच्छा होता है कि वो एक वर्ड के साथ भी ना चीजों को मिला लेते हैं। मैं वो थिंकिंग प्रोसेस बेटा आपका स्ट्रोंग करता हूँ अपने लेक्चर्स के द्वारा, इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी कोलोनलाइजेशन का मतलब है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है और उसको अपने अकॉर्डिंग डोमिनेशन की पावर का इस्तेमाल करके और दूसरे जो एरिया है उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। तो कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका कब कंप्लीट हुआ था बेटा, 1885 का कार्ड पेपर पार्टीशन, इसको क्या बोला गया था, पेपर पार्टीशन बोला गया था। थाउजेंड ऑफ पीपल लेफ्ट यूरोप
और फॉर अमेरिका, किसके लिए बेटा? यूरोप छोड़ दिया फॉर अमेरिका बिकॉज ऑफ द डेडली डिजीज। यूरोप में क्या आ गई थी बेटा? डेडली डिजीज आ गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने किसको छोड़ दिया था बेटा? यूरोप को फॉर अमेरिका बिकॉज, किसके लिए? अमेरिका के लिए, बिकॉज ऑफ द डेडली डिजीज के कारण उसको छोड़ दिया था बेटा। आगे देखते हैं, आगे आते हैं बेटा आपके ट्रू एंड फॉल्स, फाइव क्वेश्चन है और उसके बाद बेटा आपके असर्शन एंड रीजन आएंगे और उसके बाद आपका लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। After the Konla was scrapped, अब आपको कोनला के बारे में पता होना चाहिए। कोनला क्या था बेटा? इंपोर्ट चीजों को रोकता था। कौन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा। अगर आपको ये चीज पता है तो इसको आंसर देने में आप एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। देखो, After the Konla was scrapped, इसको लगाएगा, food could be imported into Britain more cheaply। क्या हो गया बेटा? इंपोर्ट फूड वहां पे चीपली, बिल्कुल चीपली, सस्ते के रूप में आने लगा। बिल्कुल सही बात है, कोनला को जब स्क्रैप किया गया था तो फूड का इंपोर्ट हुआ था बेटा, बिल्कुल चीपली हुआ था, बिल्कुल सस्ते के रूप में इंपोर्ट आने लगा था, तो दैट इज बिल्कुल ट्रू। ग्रेट डिप्रेशन बिगन अराउंड 1929 एंड लास्ट थ्रू द मिड 1930 बेटा। 1929 में स्टार्ट हुआ था और टिल मिड 1930 के मिड तक रहा था बेटा। ग्रेट डिप्रेशन आया था बेटा इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा तगड़ी मंदी आ गई थी। इस टाइम पे ना कोई पैसे खर्च कर रहा था, ना कोई इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा रहा था, बिल्कुल मार्केट खाली पड़ी थी और हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल रुक सी गई थी। तो इसको ब्रिटिशर कह रहा हूँ बेटा, इकोनॉमिक्स ने जिसको नाम दिया था इस कंसेप्ट को, एक जिसको बोला गया था ग्रेट डिप्रेशन, दैट इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन बोला गया था। एल डोराडो को क्या बोलते हैं? फेबल सिटी ऑफ गोल्ड या फिर टेबल सिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, वहां पे टेबल लिखा हुआ था। क्या थी बेटी? फेबल सिटी ऑफ गोल्ड थी बेटा, दैट इज नोन एज एल डोराडो। क्या नाम था बेटा? एल डोराडो। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है टेबल या फेबल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी ऐसी कंट्री थी बेटा जिसको क्या बोला जाता था बेटा, क्या बोला जाता था? फेबल्ड ऑफ सिटी ऑफ गोल्ड बेटा। कौन सी सिटी थी, सॉरी मैंने कंट्री बोला, सिटी कौन सी थी वो? दैट इज एल डोराडो थी बेटा। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस और अलाइड पावर्स बेटा। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस बिल्कुल भी अलाइड पावर्स नहीं थे बेटा, इनके बीच में भी युद्ध होते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो दे आर एलाय। एलाय क्या होता है? एलाय होता है हमारा दोस्त जो होता है बेटा, जो हमारा मित्र होता है उसको हम एलाय बोलते हैं बेटा। तो बिल्कुल भी अलाइड पावर्स नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पोल वॉर कंस्ट्रक्शन वाज डोमिनेंट फोर्स, ये भी बिल्कुल क्या बेटा आपका फुल स्टेटमेंट है। एक बार जो फिलिंग में ब्लैंक्स थे और ये थे, इनको दोबारा कर लेते हैं बेटा। जो जॉन मेनार्ड कीन्स है बेटा, उन्होंने बोला था कि जो इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ बेटा वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को करने में हेल्प करेगा। रिकवरी किस चीज से? वही डिप्रेशन चल रहा था ना बेटा, मंदी चल रही थी, जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल रुकी हुई थी। तो कौन थे बेटा? जॉन मेनार्ड कीन्स थे बेटा, जिन्होंने बोला था कि जो इंडिया से गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है बेटा प्रमोट करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को। ब्रेटन वुड किसको लेके आया था? आईएमएफ के। जो आईएमएफ में किस चीज को देखेगा? दो चीजें आएंगी, या तो सरप्लस आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, डेफिसिट्स आएगा इसके मेंबर नेशंस का बेटा। और मैंने सरप्लस और डेफिसिट्स के बारे में आपको बता दिया है। सिविल डिसोबिडेंट कब आया था? ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे आया था बेटा। और कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका जब हुआ था बेटा 1885 में, इसको क्या बोला गया था? पेपर पार्टीशंस के बारे में बोला गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट यूरोप फॉर अमेरिका, किसके लिए? क्योंकि डेडली डिजीज आ गई थी। कोनला जब स्क्रैप्ट हुआ था तो चीजें क्या हो गई थी? चीपली, बिल्कुल इंपोर्ट की जा रही थी, बिल्कुल चीपली हो गई थी बेटा। दूसरा, ग्रेट डिप्रेशन जो बिगिन हुआ बेटा 1929 में जब ये बिगिन हुआ एंड लास्टेड कब तक रहा? मिड 1930 तक रहा था, दैट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। एल डोराडो क्या? फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है बेटा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ध्यान रखना एल डोराडो, एल डोराडो को ध्यान रखना बेटा। जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस आर नॉट अलाइड, ये कभी भी अलाइड एक दूसरे के मित्र नहीं थे। दीज आर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे बेटा। इन्हीं के कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके बीच में भी भिड़ंत हुई थी, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था बेटा पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन वाज डोमिनेंट फोर्स थी बेटा। क्या थी? डोमिनेंट फोर्स। अब आते हैं बेटा आपके असर्शन और रीजन। एक बार इसकी डायरेक्शन हम जरूर पढ़ते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, उसके बाद ही हम आंसर ए या बी या सी में डी में दे पाते हैं। पहला, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है आपके, और रीजन क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है लेकिन रीजन आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम उसके टाइम पे क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक हम बोलेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है बेटा? फॉल्स हैं, तो
तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे। तो देखिए आगे असर्शन में क्या आता है, देयर वाज ए कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का बेटा, कोलैप्स हुआ बेटा किसका, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का हुआ बेटा कोलैप्स, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोलैप्स हो गया था किसका, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का, क्या कर गया बेटा वो कोलैप्स हो गया, उनमें चेंज आ गया और इससे इंट्रोडक्शन हुआ एक सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। देखो एक बार ध्यान देखो, फिक्स्ड है कोई चीज, अब फिक्स्ड में चेंज हो गया, फिक्स्ड में चेंज होने के कारण उसको क्या बोला गया, फ्लोटिंग बोला गया, क्या बोला गया, फ्लोटिंग। तो यही तो कारण था बेटा कि फिक्स चेंज रेट में कोई चेंज आया और किसका इंट्रोडक्शन हुआ बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इंट्रोडक्शन हुआ। तो असर्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, अब इसके पीछे हमने वाई लगा दिया, वाई ऐसा क्यों हुआ। इन द 1960 द राइजिंग कोर्स ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकन द यूएस फाइनेंस को, वीकन किया और कंप्लीट किया कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, इट कुड नॉट कमांड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी, और ये कमांड कॉन्फिडेंस को कमांड नहीं कर पाई जो वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी थी, दैट्स वाई चेंज आया था। बिल्कुल सही है, तो बहुत असर्शन और रीजन क्या बिल्कुल करेक्ट था। रीजन क्या करता है बेटा, बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। देखो क्या था, दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले असर्शन में क्या आया है, देयर वाज कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, किसका कोलैप्स हुआ था बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और जिसे देखो, अगर फिक्स रेट में अगर आपका कोलैप्स होगा तो उससे कौन सा आएगा, फ्लोटिंग चेंज आएगा, कौन सा आएगा, फ्लोटिंग चेंज आएगा। दूसरा, फ्रॉम द 1960 द राइजिंग कोर्स ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकन द यूएस के फाइनेंस को, क्या किया बेटा, वीकन्स किया, स्ट्रेंथ को कम्पिटिटिव किया, इट कुड नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस एज वेल एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी, इसने क्या कर दिया बेटा, ये ना तो कमांड कर पाया कॉन्फिडेंस को वर्ल्ड के प्रिंसिपल करेंसी को, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जो फिक्स एक्सचेंज रेट्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, फ्लोटिंग चेंज में रेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, की क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। आगे देखते हैं नंबर दो, The Portuguese and Spanish conquest and colonization of Antarctica was decidedly underway by mixed है, बिल्कुल गलत बात है, अंटार्कटिका का तो नहीं बोल सकते ना बेटा colonization हुआ था। इन्होंने बोला कि पोर्तुगीज और स्पेनिश ने कंक्वेस्ट किया और कोलोनाइजेशन किया अंटार्कटिका का, बाद डिसीजिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी, बिल्कुल रॉन्ग है, बहुत असर्शन, इसमें क्या बोल रहा है, असर्शन बिल्कुल फॉल्स है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकरर वर द जम्स सच है दो जो स्वाइन फ्लू एंड दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, बकवास की बात है। उन्होंने आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है किसी जम्स को किसी ने वर्ल्ड वार के रूप में या वार के वेपन के रूप में इस्तेमाल किया हो, तो रीजन भी क्या बेटा बिल्कुल फॉल्स है। ये क्या बोल रहा है कि मोस्ट पावरफुल वेपन जो था ना स्पेनिश का कनकर्स का वो क्या थे, जम्स थे बेटा, जो स्वाइन फ्लू वगैरह थे जो कैरिड ऑन देयर पर्सन के ऊपर रहते, तो ये पावरफुल वेपन उनका बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। तो देखो, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका का किया था, वाज डिसीवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी तक, ध्यान रखना पोर्तुगीज ने और स्पेनिश ने कंक्वेस्ट जो किया था कॉलोनाइजेशन वो किसका किया था, अमेरिका का किया था, वह डिसीजिवली अंडर वे बाय द मिड 16th सेंचुरी तक, ना कि अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका की जगह अमेरिका आएगा। और मोस्ट पावरफुल वेपन की जो बात है बेटा, वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट दे कैरीड जम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन देमसेल्फ, दिस बोथ असर्शन रीजंस आर फॉल्स बेटा, नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था बेटा स्पेनिश का मोस्ट पावरफुल वेपन जो था बेटा, लेकिन उनके वो जम्स थे बेटा किसके थे बेटा, स्मॉल पॉक्स के थे, किसके थे जम्स बेटा, वो स्मॉल पॉक्स के, बल्कि स्वाइन फ्लू के नहीं थे। तो मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंट्रोल वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं बट दे कैरीड जम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स का रखते थे, किसका रखते थे, स्मॉल पॉक्स के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुत असर्शन है, रीजन क्या बेटा यहाँ पे फॉल्स है। आगे देखिए, द रेलवेज स्टीमशिप्स एंड द टेलीग्राफ वर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है विच ट्रांसफॉर्म द 19th सेंचुरी वर्ल्ड को, क्या कर दिया जिन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, तो कौन कौन है, रेलवेज है, स्टीम शिप्स हैं, टेलीग्राफ है, वर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, बिल्कुल बात सही बात है, रेलवे भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, स्टीम के शिप्स भी इन्वेंट था बेटा, और टेलीग्राफ भी, विच ट्रांसपोर्ट द 19th सेंचुरी को ट्रांसपोर्ट किया, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे, कॉलोनाइजेशन सिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट और इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट बेटा, ऐसे क्यों, ये इसका भी आंसर मिल रहा ना हमें, वाई क्यों, कॉलोनाइजेशन ने स्टिमुलेटेड किया न्यू इन्वेस्टमेंट्स को
और इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट। और किसमें इम्प्रूवमेंट हुआ बेटा, ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसके कारण जो इन्वेंशन थे उसके कारण 19th सेंचुरी में क्या हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की बेटा। हम बिल्कुल बोल सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, चटनी म्यूजिक, दैट इज चटनी म्यूजिक आया, पॉपुलर इन ट्रिनिडाड एंड गाना, इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है बेटा कि कंटनी, हाँ बिल्कुल सही, चटनी म्यूजिक पॉपुलर था बेटा ट्रिनिडाड में एंड गाना में, इन अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। का क्या था बेटा, वो एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था, बिल्कुल सही बात है। पर कैसे था, सम ऑफ द नेपल्स अर्ली नॉवल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ना रिलेट नहीं करते। उस ऊपर जो मैं बोलता हूँ आपको हमेशा कि जब भी आप असर्शन और रीजन को पढ़ते हो और आपको कभी भी ये पता लगाना है, सबसे पहले तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है बेटा, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है या नहीं है बेटा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो आपको आंसर वही मिल जाता है कि रीजन ट्रू है और असर्शन आपका फॉल्स है, या असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है, या फिर आपको दोनों ट्रू मिलते हैं, तो तब आपको क्वेश्चन अप्लाई करना होता है वाई वाला कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और पीछे आपने वाई लगा दिया वाई, और उसका आंसर आपको मिलेगा रीजन में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है। और जब आपको रीजन में आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन नंबर बी है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है, बट रीजन आपकी ट्रू एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं है। देखो, चटनी म्यूजिक पॉपुलर था ट्रिनिडाड में। दूसरा, सब नेपोल अर्ली नॉवल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब व्हेन यू फील यू आर नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज नोन एज एलिनेशन बोलते हैं बेटा इसको। दोनों के दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन असर्शन यहाँ पे रीजन की क्या नहीं है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा, असर्शन क्या है बेटा, और द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट, बिल्कुल सही बात है। 19th सेंचुरी में तो हम उनके बिल्कुल गुलाम हो चुके थे ना बेटा, कॉलोनियल पीरियड बिल्कुल अच्छे से था, और हमारे यहाँ से किसका एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल, और वहां से क्या बन के आती थी, फिनिश प्रोडक्ट्स बन के आती थी। इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लोइट कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लोइट कर रहे थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर थे बेटा, फ्लडेड किया किसको, इंडियन मार्केट्स को क्या कर दिया, फ्लडेड कर दिया। और रीजन क्या बेटा, द वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स टू इंडिया बेटा। क्या बोला, जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी बेटा वो ज्यादा हायर थी, ना है, बिल्कुल गलत बात है ये। जो हमारे जो इंपोर्ट्स होते थे वो तो बहुत ज्यादा महंगे होते थे, और जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो बहुत ज्यादा सस्ते होते थे, कि रॉ मटेरियल को बहुत ज्यादा कम पैसों में एक्सपोर्ट कर दिया, और इंपोर्ट्स हैं बेटा वो बहुत ज्यादा महंगे होते थे इंडियन मार्केट्स में। तो इसमें आपका रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्योंकि रीजन में लिखा हुआ कि एक्सपोर्ट जो ब्रिटेन में होते थे वो हायर थे, और जो वो दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स हो क्या थे, बिल्कुल बिल्कुल क्या थे बेटा, वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ब्रिटेन वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स टू इंडिया। तो क्या बोल रहा है बेटा, वैल्यू ऑफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थी बेटा, वैल्यू क्या होती थी जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की ब्रिटेन की, वाज मच हायर देन, वो क्या होती थी, हायर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, किससे, इंपोर्ट्स से। तो ये बिल्कुल क्या बेटा, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो क्योंकि जो, अब देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, इसको ध्यान से कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब हमारी कैसे, वैसे तो क्या बोला जाता है कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ आर इन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स बेटा। जब फिनिश गुड्स में आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, फिनिश गुड्स का ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में सही होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था बेटा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था उस टाइम पे, एक्सपोर्ट उन्होंने ज्यादा किया, किसका, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया ज्यादा। जो रॉ मटेरियल का मतलब रिसोर्सिस का एक्सपोर्ट ज्यादा किया, वो वहां पे मैन्युफैक्चर होते और उन्हीं रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर वो कहां आते, इंडिया में आते, और इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट को इस्तेमाल किया, उस मार्केट का यूज किया। अब रॉ मटेरियल जाते थे बिल्कुल सस्ते भाव में और फिनिश प्रोडक्ट बन के आते थे बहुत ज्यादा महंगे भाव में। तो इस प्रकार उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या किया था, एक्सप्लोइट किया था। तो उस टाइम पे जो एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे वो क्या था, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि एक्सपोर्ट उस टाइम पे फिनिश प्रोडक्ट्स के नहीं हो रहे थे बल्कि रॉ मटेरियल्स के हो रहे थे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है बेटा, असर्शन ट्रू है और रीजन क्या, बिल्कुल फॉल्स है।
क्योंकि द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मच हायर होती थी, ज्यादा होती थी. सो असासन इज ट्रू बट रीजन इज क्या बेटा, फॉल्स है बेटा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्वॉल्वड इन द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन व्हिच हार्नेस द वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स. क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िए एक बार, इसको पढ़ लीजिए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इन्वॉल्व हुआ, वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे बेटा, विच हार्नेस, उन्होंने हार्नेस किया किसको, किस चीज को हार्नेस किया, एक मिनट रुकिए. हार्नेस द पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी. बिल्कुल सही बात है, उसने क्या किया, मॉडर्न इंडस्ट्री को पावर को किया किसको इन्फ्लिक्ट किया, किसको, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन करने के लिए एनिमीज का. बिल्कुल सही बात है. रीजन क्या होगा, वाई लगा देते हैं. इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर विच सॉ द यूज ऑफ रोबोट्स. अरे कहाँ की बात है, क्या हमारा जो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, क्या उस टाइम पे रोबोट्स और सैटेलाइट थे? बिल्कुल नहीं थे. बिल्कुल गलत बात है. तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या, फॉल्स है. क्या दिया गया है, इट वॉज फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर विद सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, हुए टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट थे, केमिकल वेपन थे, मैसिव स्केल पर थे. पर असर्शन ट्रू है, लेकिन उस टाइम पे रोबोट्स और सैटेलाइट उस टाइम पे नहीं थे. तो इस प्रकार बोल सकते हैं उस टाइम पे सैटेलाइट्स हो गई है, ये सारी चीजें नहीं थी बेटा. सेवंथ असर्शन आता है बेटा, व्हेन द सप्लाई ऑफ व्हीट वाज डिस्टर्बड, सप्लाई ऑफ व्हीट को क्या किया गया, डिस्टर्ब किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. व्हीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली. इससे क्या हो गया, एक्सपेंड होगा. बिल्कुल सही बात है, अगर आप सप्लाई ऑफ व्हीट को डिस्टर्ब करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ड्रामेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा. बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एशिया वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट टू द वर्ल्ड मार्केट. बिल्कुल नहीं है, एशिया मेजर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं था. तो रीजन क्या बेटा, इसका फॉल्स है. व्हीट की क्या था, यूरोप था बेटा, ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट. दिस रीजन इज फॉल्स एंड वर्ल्ड वॉर एंड असर्शन इज ट्रू बेटा. उसके साथ आपका आता है लास्ट असर्शन ऑफ रीजन का लास्ट. ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था बेटा, एग्रीकल्चर रीजन में कम्युनिटीज वर अफेक्टेड. क्या हुआ था बेटा, कम्युनिटीज वर अफेक्टेड हुई थी. द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस में वाज ग्रेटर था, मोर प्रोलॉन्ग देन द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बेटा. तो बहुत असर्शन और रीजन क्या, बिल्कुल ट्रू है. ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एग्रीकल्चर रीजन और कम्युनिटी वर मोस्ट अफेक्टेड हुई थी. कौन सी कम्युनिटीज बेटा, एग्रीकल्चर रीजन की और कम्युनिटीज की. और दूसरा, रीजन फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बेटा. ये भी बिल्कुल सही है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, ट्रू एंड फॉल्स आए हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. फिर उसके बाद हमने आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़े हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स पढ़े हैं, और फिर हमने असर्शन रीजन पढ़े हैं. ये आपकी एक्सरसाइज है बेटा, जो आपकी प्रीवियस ईयर में आई है, फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से बेटा. तो प्लीज इन क्वेश्चंस को कीजिए, और इसमें जो भी आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी बड़े क्वेश्चंस वगैरह में डाउट रहता है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप अपने डाउट को मत रखिए, मेरे को कमेंट कीजिए. मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, ताकि मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करवा सकूँ. तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले चैप्टर की वीडियो देखिए. चैप्टर की वीडियो देखने के बाद ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ आपके सारे जितने कंसेप्ट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. तो आज की सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन ऑफ द चैप्टर मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड असर्शन एंड रीजन. आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा. थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.